जैद क्योंकि हमने अभी मकान लिए 2 महीने हुए हैं, अयूब खान जी का मकान था, अभी हमने चेंज भी नहीं करवाया, ठीक इतना बिल हम नहीं भर पाए। ठीक है, दिखवा दूंगा। अरे हम हर महीने बिल भरते हैं, हमारे आपके इतना बिल आया 22,000, इतनी तो हमारी तनख्वाह भी नहीं है कि हमें गवर्नमेंट के इतनी तनख्वाह या गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है। गरीब आदमी क्या कमाएगा ना क्या खाएगा, 5-5 बच्चे घर में हैं, शादी ब्याह के लायक अभी इतने थे बिल कौन भरेगा एक एक महीने के, 22,000 कहाँ से लाए 22,000। और झूठ बोल के वो बनवा लिया इन्होंने कि ना इतना बिल आएगा, 200 बिल आएगा, और ये इतना बिल नहीं, ये तो गलत बात है। हम नहीं, ये है कि 2 महीने से हम शादी कारण से बाहर थे, हमारी इतनी कमाई नहीं है, आदमी ऐसे ही है, हम इतना लेडीज करने वाले, बच्चे भी भेजना, उसी में घर भी चलाना, इतना 9,000 का बिल आया, कहाँ से हम भरेंगे। आप मुझे बताएं, 2 महीने से आप घर पे नहीं थे और आपका बिल 9,000 आया। 2 महीने से हम घर पे नहीं थे, फिर भी 9,000 का बिल आ रहा, हम कहाँ से भरेंगे, इतना गरीब इंसान, 200 रुपए का वो करके और 9,000 रुपए बिल आ रहा, कहाँ का बिल 4,000 का आया है। मैं ऑटो चलाता हूँ, एक्चुअली क्या है मेरा भी छोटा परिवार है, कोई मैं फैक्ट्री तो चला नहीं रहा हूँ, सेबल बल्ब चलाता हूँ और एक कूलर चलाता हूँ, एक आध पंखा चलता होगा, और 4,000 का बिल आया, मैं गरीब आदमी कहाँ से भर सकूँगा। कहाँ रहते हैं? मैं खजराना। क्या मामला रहा आज जो आप यहाँ पे बिजली विभाग में आए हैं? स्मार्ट मीटर जब लगाए रहे थे विद्युत मंडल वाले, तब हमने मना किया था कि ये विद्युत ये स्मार्ट मीटर मत लगाइए, ये योजना थी मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्योंकि आने वाले दूरगामी इसके गंभीर परिणाम हमें आने वाले, ऐसा हमें पूर्व में ज्ञात हुआ था। अब चूँकि माह रमज़ान के बाद जो बिल आए हैं वो 22,000, 15,000, 10,000, 8,000, एक तो स्कूल खोले हैं, फिर दूसरे बात ये स्मार्ट मीटर का जो इतना भयंकर फटका लगाया है विद्युत मध्य प्रदेश जो है विद्युत मंडल ने, तो इससे आम लोगों में त्राही त्राही हो गई है और बहुत ही ज़्यादा लोगों को परेशानी। उसके बाद फिर ये बात पता होने के बावजूद कि स्मार्ट मीटर में बहुत सारी त्रुटियाँ, उसके बाद फिर भी कंटिन्यूटी में लगा रहे हैं, चेकिंग, लाइट काटना, बिजली का जो है बार बार जाना, ये विद्युत मंडल, ये विद्युत मंडल जैसे कि पहले जब भाजपा की सरकार थी और देखने में ये आता था कि बिजली कम जाती थी, मगर अभी देखने में आ रहा है कि जैसे कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है उसके बाद से लाइट की कटौती भी ज़्यादा हुई है, बिजली के बिल और बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो लोग बैठे हुए थे उनकी अभी मानसिकता नहीं बदली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही जो है यहाँ पर जो प्राइवेटीकरण हुआ था मध्य प्रदेश जो विद्युत मंडल का, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को ही कार्यकर्ताओं के रूप में उनकी नियुक्ति हुई थी, जिसकी वजह से जो है ये लोग कहीं ना कहीं इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जैसे कांग्रेस। कमलनाथ सरकार आई और बिजली गई? नहीं, बिजली कमलनाथ सरकार में आने से नहीं गई, जो 15 साल से जिन विद्युत कर्मियों को भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्त किया था और उनको नियुक्तियाँ दी थी, वो लोग भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए विद्युत कटौती कर रहा है। उसमें कई ऐसे चिन्हित हुए हैं जिनको कमलनाथ जी ने सस्पेंड किया है, और भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला जो भी होता, जैसे स्मार्ट मीटर का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया और लगवाया, वो जनहित के खिलाफ होता है। तो जैसे स्मार्ट मीटर लगवाए थे और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो 200 रुपये की योजना संबल योजना शुरू की थी, उसको आपकी पार्टी कंटिन्यू कर सकती थी ना? वो कर सकती थी, लेकिन उससे अच्छी योजना कमलनाथ जी ला रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी ने संबल योजना दी थी वो चुनावी लालीपाप थी, और वो जनता पे मतलब इस तरह का भार था कि 200 रुपये के 200 रुपये बिल दिया जाएगा, जिससे बिजली वो 200 रुपये की का कनेक्शन लेके बिजली ज़्यादा जला रहे थे, जिसकी वजह से ये योजना बंद करी गई है। कमलनाथ जी बहुत अच्छे सुचारू रूप से जनता के हित के लिए नई योजना ला रहे हैं, गरीबों के लिए नई योजना ला रहे हैं, बहुत जल्दी ला योजना जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में चुनावी लॉलीपॉप दिया गया था, चुनाव से 2 महीने पहले संबल योजना का आगाज़ हुआ था, उसके बाद उस योजना में इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद उस योजना का बहुत ज़्यादा नुकसान मतलब सरकार को उठाना पड़ा है, जो अभी वर्तमान में हमारी सरकार बैठी कांग्रेस सरकार। मैं पूछना चाहता हूँ शिवराज सिंह चौहान जी से, अगर इनको संबल योजना चालू करना थी तो पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का शासन था मध्य प्रदेश में, तब संबल योजना क्यों नहीं चालू करी? चुनाव के एंड टाइम पे उन्होंने 2 महीने पूर्व ही संबल योजना चालू करी, उनको कहीं ना कहीं लग रहा था मेरी सरकार जा रही है, तो उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भार बढ़ाने के लिए ऐसी योजना चालू कर दी जिससे कि आने वाली सरकार को गड्ढे में ही जाना है। 200 रुपये में जनता को पब्लिक हित के लिए गरीबों को योजना दी गई थी, जिसमें संबल योजना में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के ही कर्मचारियों को संबल योजना का लाभ अधिक मिला है,
और वो जो संबल योजना के लाभ जो लोग ले रहे थे वो घर में एसी और एयर कंडीशन चला रहे थे 200 रुपए योजना। भारतीय जनता पार्टी ने तो आवास योजना भी शुरू की थी, उसका लाभ भी सभी को मिला और वो अभी भी चल रही है। तो वो चलेगी ना, उसमें कहीं ना कहीं उसमें पब्लिक का नुकसान नहीं, वो पब्लिक के हित की योजना, जो पब्लिक के हित की योजना रहेगी वो कमलनाथ सरकार दूसरी बात जरूर चलेगी। आज जो लाइट जाने का मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, उस लाइट जाने में आरोप लगाता हूँ भारतीय जनता पार्टी पे कि जो 15 वर्षों में प्राइवेट जितने भी सेक्टरों में प्राइवेट भर्तियां हुई हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी माइंड के लोगों की हुई है, जिसका नतीजा कल आप आकाश विजयवर्गीय ने जो अधिकारी के साथ मारपीट करी, बेट बल्लों से जो उनको पीटा गया, उसमें नगर निगम के कर्मचारी साथ में मौजूद थे जो उस अधिकारी को मार रहे थे, जो कि मास्टर कर्मी है नगर निगम के। इस बात से ये साबित होता है कि पूरे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की टीम बैठी हुई है, जो प्राइवेटीकरण के लोग हैं उनको बहुत जल्द निकाला जाएगा और अच्छे लोगों की भर्ती करी जाएगी और बहुत जल्द मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनकर उभर के आएगा और स्वच्छ उभर के आएगा। बढ़ते बिलों को लेकर जो शिकायत थी मुख्यतः इंदिरा ज्योति योजना जो है उसके कारण की थी। पहले सरल और संबल योजना में लोगों के बिल 200 रुपये के आ रहे थे और वर्तमान में ये जो 200 रुपये के बिल थे, 100 यूनिट तक के 100 रुपये के बिल बने हैं इनके, और उनसे ज़्यादा खपत के बिल, ज़्यादा खपत का बिल जो भी आया है वो लोगों को भरना है। जो भी इसमें करेक्शन करना है, अगर कहीं रीडिंग वगैरह की त्रुटि है तो करेक्शन वगैरह हम लोग कर रहे हैं। बाकी योजना खत्म होने के कारण बिल ज़्यादा आए हैं, ज़्यादा राशि के बिल आए हैं। जैसे लोगों का कहना है कि हम दो दो महीने घर पर भी नहीं थे और हमारे 9000 के बिल, किसी का 22000 का, कोई शादी में गया था उसके नहीं, इस प्रकार की बातें जो रहती है वो सही नहीं रहती है। इसकी जांच हम लोगों ने बहुत जगहों पे की भी है, बहुत जगहों पे स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, जो रीडिंग बन रही है उनकी, जो खपत आ रही है उस हिसाब से ही बिल जारी हो रहा है। आपको लगता है कि स्मार्ट मीटर से बिल ज़्यादा आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्मार्ट मीटर में वास्तविक खपत के ही बिल जारी हो रहे हैं, किसी भी प्रकार की अधिक रीडिंग के बिल उसमें जारी नहीं हो। मगर जैसे पहले पुराने बिलों में और अभी के बिलों में देखा जाए, जब स्मार्ट मीटर नहीं था उसके बाद पहले बिल इतना नहीं आता था, जब से स्मार्ट मीटर लगा है उसके बाद में बिल लोगों के ज़्यादा आ रहे हैं, ये देखने में आ रहा है। स्मार्ट मीटर मुख्यतः क्या, गर्मियों के पीरियड में ही लगा, इस कारण से वहाँ गर्मियों में जो वास्तविक खपत थी पिछली गर्मी से, इस बार क्या गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी तो लोगों के यहाँ खपत भी ज़्यादा हुई है, इस कारण से बिल ज़्यादा राशि के आए हुए हैं। पिछली गर्मी की तुलना अपन इस गर्मी से नहीं करते हैं, इस बार गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी जिस कारण से लोगों ने कूलर, एसी और भी अन्य प्रकार के विद्युत उपकरणों का ज़्यादा उपयोग किया है, जिससे उनकी खपत बढ़ी है, इस कारण से बिल ज़्यादा राशि के आए हुए। आपका शुभ नाम? राकेश शाह, सहायक केंद्रीय खजराना।